शिवपुरी नगर पालिका में अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पांचवे दिन भी जारी रही। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मी आज सोमवार को नगर पालिका प्रांगण में टेंट लगाकर बैठे दिखे। आज सफाई कर्मचारियों में रोष देखने को मिला। उनके द्वारा नगर पालिका के ऑफिस में ताला लटका दिया और हड़तालियों ने अन्य नगर पालिका के कर्मचारियों से भी अनुरोध किया है कि वो कर्मचारी हित में हड़ताल के समर्थन में रहें और कार्य ना करें। हड़ताल के दौरान नगर पालिका परिसर में सफाई कर्मियों के नेता कमल किशोर कोड़े ने बताया कि हड़ताल संतोष कोड़े के नेतृत्व में जारी है। आज संगठन के पदाधिकारियों की दूसरी बैठक नगर पालिका सीएमओ के साथ में हुई है। कुछ बिंदुओं को नगर पालिका प्रशासन मानने को तैयार हुआ है, लेकिन वो लिखित में नहीं देना चाहता। जब तक समझौता नैतिक तरीके से नहीं होता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। नरका जे आए थे राशन कार्ड में नाम चढ़वाने के लाना, अब बच्चे के स्कूल जाएंगे तो वहाँ में तो चाहिए नाम, तो अब नो दो तीन बार फिर गए भाई अब नहीं चढ़ाएंगे, अब नहीं चढ़ाएंगे, अब कब पे कब चढ़ाएंगे जी, भगा देती हैं। तो आपको क्या देखने को मिला? अब जी हड़ताल तो चल रही है, बंद है, काम बंद है, काम बंद है, ये सब लोग रहेंगे आए तो हड़ताल चल रही है। पहले भी आ चुके आप? दो तीन बार घूम गए हम, तब भी काम नहीं हुआ, तब काम नहीं हुआ, भगा दें, हाँ हड़ताल है, हड़ताल की वजह से काम बंद है यहाँ पे। कपड़े इतना करे तीन दिन से हड़ताल है गई। अच्छा तो जो पूरे अभी तक तो सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही थी, क्या पूरे कर्मचारियों की हड़ताल है? आपको जानकारी दी किसी ने? कोई किसी ने नहीं दी। अच्छा हड़ताल की तो किसी ने बताई नहीं है, फिर हम कहीं को आते जब इनकी पूरी सुनवाई हो रही है और इनकी सुनवाई करना हमारा दायित्व है, ये हड़ताल करें या ना करें क्योंकि ये हमारे कर्मचारी हैं। और मूल जो इनका एजेंडा था, ज्ञापन था, उसमें ये चार बिंदु थे, ये आपके सामने ज्ञापन है जो चार बिंदु उन्होंने दिए थे। चार में से तीन बिंदुओं पर पूरी सहमति बन गई है, चौथा बिंदु जो है वो चूंकि हमारे अधिकार क्षेत्र से ऊपर का है तो उस पर हमने ये कमिटमेंट किया है कि हम 10 दिवस के अंदर उसकी जो प्रोसीडिंग है नियमानुसार वो हम वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित करेंगे। तो मेरा इनसे आह्वान है आपके माध्यम से भी कि इनको शहर की स्वच्छता को देखते हुए, शिवपुरी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पार्टिसिपेट कर रहा है, हम उसकी तैयारियां कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान आप सबने देखा है चल रहा है, तो इनको भी सहयोग करना चाहिए क्योंकि इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। कोरोना का टाइम चल रहा है जिसमें एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट लगा हुआ है महासंक्रामक, तो उस ऐसे समय में उचित भी नहीं है हड़ताल करना। तीसरा बिंदु यह है कि आचार संहिता लगी हुई है, तो ऐसे क्रिटिकल टाइम में मिल बैठ के टेबल पर बैठ के हम सहयोगात्मक तरीके से समस्याओं का निराकरण करें और उस निराकरण में जितना एक मिनिमम समय लगेगा वो तो प्रक्रिया में लगना है, उसको हम और शीघ्र करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा आह्वान है कि हड़ताल को ख़त्म करें, अपने शहर को स्वच्छ बनाएं, सुंदर बनाएं, हरा भरा बनाएं और हम कोशिश करेंगे कि हम इनके जीवन को जितना आसान बना सकते हैं, जो सुविधाएं दे सकते हैं वो देंगे। नगर पालिका क्या कहना है आपका? ये मैंने संगठन के लोगों से भी ये आग्रह किया है कि ये हड़ताल अपने अधिकार के लिए होती है, लेकिन ऑफिस को अन्य ऑफिस के जो विभाग हैं उनको ना खुलने देना या किसी तरह की तालाबंदी करना ये उचित नहीं। आपसी अपने अधिकारों के लिए ठीक है वो है, लेकिन ये बिल्कुल भी ना तो ये नियम संगत तरीके से उचित है और ना ही नैतिक तरीके से उचित है, तो ये इनको नहीं करना चाहिए। वो हमारे आश्वासन से जो हमने अपना एक प्लान उनके सामने रखा है उससे वो सहमत हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग सहमत हैं। अब उन्होंने थोड़ा सा समय लिया है कि वो आपस में अपने पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे और हमें उम्मीद है कि सकारात्मक परिणाम के साथ वापस टेबल पे आएंगे और हम इसका निराकरण करने में सक्षम होंगे। तो बिल्कुल हमारे कर्मचारी तो आज भी आए थे, हाँ, लेकिन वो ताला लगा दिया है। हाँ, तो जनता भी मैं आग्रह करता हूँ कि हड़ताल अपनी जगह है, लेकिन किसी तरह की तालाबंदी या किसी तरह से अन्य विभागों को बाधित करना ये उचित नहीं है, क्योंकि ये पूरा वरिष्ठ अधिकारियों की भी संज्ञान में है मामला, तो ये उन्हें नहीं करना चाहिए। उनकी जो समस्या है उसके लिए हम बैठे हैं यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो मैं नहीं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, इस पर हमारा विस्तृत वो हुआ है। ईपीएफ का कुछ पैसा है जो पैसा इनका कहना है कि उस ईपीएफ अकाउंट में नहीं गया है, उसके लिए हम जांच करवाएंगे। और जांच का मतलब वो पैसा कहीं किसी, ऐसा नहीं है कि वो गया नहीं है, वो प्रक्रिया में होता है। पहले एक पर्टिकुलर अकाउंट होता है जिसमें रखा जाता है, उसके बाद या तो ग्वालियर जाता है या भोपाल जाता है, तो उस प्रक्रिया में अगर नहीं पहुंचा है तो पहुंच जाएगा। और यदि उसके लिए हमें किसी प्रोफेशनल सीए की सेवाएं लेनी होंगी, यदि हमें किसी प्रोफेशनल वकील की सेवाएं लेनी होंगी, तो वो हम सेवाएं लेंगे, उसका भुगतान नगरपालिका करेगी, क्योंकि ये ना सिर्फ सफाई कर्मी बल्कि समस्त कर्मचारियों के हित का मामला है, तो उसका हम निराकरण करेंगे।